शोबिस की रंगरंग दुनिया से पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा और मॉडल सहीफा छबार हटक अपनी ज़हनी सेहत से मुतल्लिक इंकशाफ करते हुए आपदीदा हो गई। हाल ही में सहीफा छबार एक पॉडकास्ट में शरीक हुई जहां उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करने के साथ साथ अपनी ज़हनी सेहत से मुतल्लिक भी होशरबा इंकशाफ कर दिए। पॉडकास्ट के दौरान छबार हटक ने बताया कि वो 2013 से डिप्रेशन के शिकार थी, लेकिन इस मामले को समझने में वक्त लगा। जब मेरा डिप्रेशन शदीद हो गया तो मुझसे सब्र नहीं हुआ और फिर मैंने इस पर बात करना शुरू कर दी। उन्होंने इंकशाफ किया कि शदीद डिप्रेशन की वजह से मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो चुकी थी और मेरे दिल की धड़कन फी मिनट 30 से भी कम हो जाती थी, जिसकी वजह से मुझे शदीद तकलीफ होती थी। ये वो वक्त था जब इससे निजात हासिल करने के लिए एक वक्त में 30-30 गोलियां खाती थी। नामवर फ्रांसीसी अदाकार जब्बार डिपार्ड्यू को जेंसी ज्यादती के इल्जाम पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदाकार की कानूनी टीम ने पेरिस में उनकी हिरासत की तस्दीक कर दी, जबकि उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत अक्टूबर में होगी। जेरार्ड के वकील का कहना है कि अदाकार खुद पीर के रोज पुलिस स्टेशन में पूछगछ के सिलसिले में पेश हुए थे। 75 साल अदाकार पर 2021 में फिल्म के शूटिंग के दौरान दो खवातीन की जानिब से जिंसी ज्यादती के इल्जाम आयद किए गए। वाज़ेह रहे कि जेरार्ड डिपार्ड्यू से उससे कबल भी जिंसी ज्यादती और हरासानी के इल्जाम तफ्तीश हो चुके हैं। उन्होंने तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकिस्तानी सुपरस्टार मायरा खान को दुबई में मुनक़दा डी एम गाला इवेंट के चौथे एडिशन में आर्टिस्ट इन फैशन के अवार्ड से नवाजा गया। अदाकारा ने इवेंट में बेहतरीन डिजाइन के कपड़ों के साथ शिरकत की और वो लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। मायरा खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर भी शेयर की और मदा अदाकार के मखसूस स्टाइल और नफासत को बहुत पसंद कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि डी एम गाला एक फैशन इवेंट है और इसमें दुनिया भर में फैशन के शोबे में खिदमात सरंजाम देने वालों की हौसला अफजाई की जाती है।